तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जेनसॉल इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं अभी डिटेल में। तो इसके अलावा जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है वो फंड रेजिंग को लेकर हमें देखने को मिला जो 500 करोड़ के आसपास है, इसे आप लोग एक बार डिटेल में जरूर पढ़ना भी। तो चलिए अब इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इस स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को लेकर, ऑल फिगर इन रुपीस करोड़ में दिया गया अभी इसे। यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर देखने को मिलेगा, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें होते हुए नजर आई है वो यहाँ पर देखोगे अभी 296 करोड़ की है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 400 करोड़ की थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 145 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे इनकम में जंप है, बट क्यों उनके बेसिस पर जो इनकम है वो हमें टूटते हुए नजर आई है। इसके अलावा देखोगे टोटल एक्सपेंस यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं भाई, तो अब की बार क्या 207 करोड़ के ना एक्सपेंस, जो प्रीवियस में 320 थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 107। यानी कि ईयर टू ईयर तो इसके एक्सपेंस डबल हुए लगभग, बट क्यों ऑन बेसिस पर आप लोग देखोगे एक्सपेंस में भी गिरावट है, और अब की बार जो रिवेन्यू है एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। बट कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते हैं अभी, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड या फिर आफ्टर टैक्स अगर मैं बात करूं तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो है 15 करोड़ 15 लाख का, जो प्रीवियस में 19 करोड़ 78 लाख का था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर 10 करोड़ वहाँ से, तो 50% के करीब प्रॉफिट्स में जंप है। बट क्यों उनके बेसिस पर आप लोग देखोगे 19 करोड़ के आसपास से जो प्रॉफिट है, 20 करोड़ के आसपास मान के चलिए, वहाँ से 15 करोड़ 15 लाख के आसपास आया है। तो क्यों उनके बेसिस थोड़े से रिजल्ट खराब है, ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर देखोगे भी 5 रुपये 41 पैसे रहे, जो प्रीवियस में 6 रुपये 45 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2 रुपये 84 पैसे। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे नोट्स, ये इन्हें आप लोग डिटेल में एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ड्यूरिंग द क्वार्टर में क्या कुछ देखने को मिला है तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। रिवेन्यू सेगमेंट्स हैं वो यहाँ पर देखोगे वीडियो को पॉज करके कि इस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। मेनली इसका जो बिजनेस है वो सोलर का ही है, अभी सोलर से कंपनी का जो अभी सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।